बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा और आपका अपना चैनल वर्ल्ड ऑफ इस्लामिक सॉल्यूशन। आपके लिए दुआओं का खसूसी तौर पर एहतमाम किया गया है। जो भी खवातीनों हज़रात दुआ के लिए अपना नाम देना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में अपना नाम दे सकते हैं, इंशाअल्लाह ताला खसूसी तौर पर उनके लिए दुआ की जाएगी। आज मैं जिस तस्बीह का अमल आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ये तस्बीह नहीं बल्कि दौलत का समुंदर है। जिसने भी ये तस्बीह पढ़ी है, अल्लाह पाक ने उसे लाखों करोड़ों का मालिक बना दिया है। आज मेरी बात मानकर आप ये वजीफ़ा ज़रूर करें, इंशाअल्लाह ताला आपकी भी मन की मुराद पूरी होगी और अल्लाह पाक आपको भी अपने ख़जानों से बहुत नवाजेंगे। इस अमल को बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना कीजिएगा। आज का वजीफ़ा बहुत ही ख़ास और मुजर्रब है। इस वजीफ़े को करने से आपको बहुत फ़ायदा हासिल होगा। अल्लाह के नामों में बड़ी ताकत और बड़ा असर है। अगर आप इस वजीफ़े को बाकायदगी के साथ करेंगे तो मेरा अल्लाह आपकी हर परेशानियां और मुश्किलात भी दूर कर देगा और आपके हर गम को दूर कर देगा। अल्लाह की ज़ात से मायूस ना हो, हर तकलीफ़ व आजमाइश और सहूलत व खुशी बेशक अल्लाह की तरफ से होती है। जो लोग इंतहाई सख्त और बुरे हालात का शिकार हैं और उन्हें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा कि अब हम क्या करें और क्या ना करें, इंसान का एक वक्त ऐसा भी आता है कि वो बिल्कुल इतना मजबूर हो जाता है, इतना बेबस हो जाता है कि इसे कोई रास्ता समझ नहीं आता, कोई बात समझ नहीं आती कि वो क्या करें। तो इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। अल्लाह ताला के जो पसंदीदा अल्फाज मैं बताने लगी हूँ, एक छोटी सी कुरान पाक की आयत बताने लगी हूँ, इसे पढ़कर आपके जितने भी इंतहाई बुरे और सख्त हालात हैं, अल्लाह ताला के ये पसंदीदा अल्फाज आप पढ़कर अल्लाह ताला से एक दफ़ा मदद मांग कर तो देखें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको वो सब अता करेगा जो आपके बस में नहीं है और अल्लाह आपकी तमाम दिली हाजात को पूरा करेगा। इस वजीफ़े को आपने ज़िंदगी में एक बार करके ज़रूर देखना है। बेशक अल्लाह का कलाम बरहक है, हिदायत है। अगर आप इसे सच्ची नीयत और गुमान के साथ करते हैं तो आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। आज का वजीफ़ा इतना ख़ास है और इतना आजमूदा है कि आप करेंगे तो आपकी ज़िंदगी इंशाअल्लाह ताला खुशियों से भर जाएगी। आपके जितने भी बुरे और सख्त हालात होंगे वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। अल्लाह के पसंदीदा अल्फाज पढ़ लिया करें और अल्लाह की मोहब्बतें हासिल करें और जो कुछ भी आप अल्लाह ताला से ये अल्फाज पढ़ के मांगेंगे इंशाअल्लाह वो आपको ज़रूर अता होगा। तो आपने ये वजीफ़ा किस तरह पढ़ना है और क्या करना है, आपने ये वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है ताकि कोई बात जो है वो स्किप ना हो। सबसे पहले तो आपने बावजू होना है, क्योंकि अमल करने के लिए जो है बावजू होना एक बहुत ही बुनियादी शर्त है। और चूँकि ये अमल है भी कुरान पाक की एक आयत का, तो इसके लिए आपको बावजू होना ज़रूरी है। इसका कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, आप किसी भी वक्त ये अमल कर सकते हैं और इस वजीफ़े को आप कर सकते हैं। वुजू कर लेने के बाद आपने एक तस्बीह जो कि 100 दानों वाली हो उसको ले लेना है और जितनी मैं तादाद बताऊँ आपने उतनी ही करनी है। किसी भी वक्त कोई ख़ास वक्त रख लें, रोज़ाना वक्त ना तब्दील करें, कोशिश करें कि रोज़ाना एक ही वक्त हो। आपने अव्वल और आखिर 7 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ना है और ये वो दरूद है जो हम नमाज में पढ़ते हैं। दरूद इब्राहिमी पढ़ लेने के बाद आपने अल्लाह पाक के पसंदीदा अल्फाज इन्नल्लाहा अला कुल्ली शाइन कदीर इस आयत को आपने 300 बार यानी 3 तस्बीहात 300 इसको पढ़ लेना है। 300 टाइम्स इसको आप जब पढ़ेंगे, अव्वल आपने 7 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ा है तो आखिर में भी आपने 7 बार ही दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। इस अमल को करने से क्या होगा कि आपकी ज़िंदगी की दुनिया और आखरत की तमाम
कामयाबियाँ अल्लाह पाक आपको अता फरमाएंगे, तमाम दिली हाजात आपकी पूरी हो जाएंगी, आपकी बेबसी दूर हो जाएगी, हर चीज़ आपके बस में हो जाएगी। तो ये रोज़ाना की बुनियाद पर आपने इसको 300 मरतबा पढ़ लेना है और इसको पढ़ने के बाद आप जो चाहें अल्लाह ताला से मांग लें। बेशक अल्लाह ताला ही सबको देने वाला है। और इंसान किस बात पे अकड़ दिखाता है, इंसान को तो अल्लाह पाक ने नुतफ़ा यानी गंदे पानी और गंदे खून के लोथड़े से पैदा किया है, किस बात पे इंसान गुरूर करता है, दौलत पे, इज़्ज़त पे, शोहरत पे, गाड़ियों पे, बंगलों पे, काबिलियत या हुस्न जमाल पे, ये सब चीज़ें तो अल्लाह की देन हैं। इसमें तो अल्लाह फरमाता है तेरा कुछ भी दखल नहीं है, ये तो जो गुरूर है, जो अकड़ है, ये तो मुझे सजती है, क्योंकि तकब्बुर जो है ये सिर्फ मुझे ही सजता है, क्योंकि मैं ही अल्लाह हूँ, मैं ही सबसे बड़ा हूँ, और दो जहानों में जितनी भी चीज़ें हैं इनका मैं ही मालिक हूँ और हर चीज़ पर कादिर हूँ। तो ये जो छोटे से मैंने अल्फाज बताए हैं, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, इसको आपने रोज़ाना की बुनियाद पर 300 बार किसी भी वक्त पढ़ लेना है। लेकिन कोशिश करें कि रोज़ाना की बुनियाद पर एक वक्त मुकर्रर कर लें, उस वक्त पढ़ें। व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो से आप मुस्तफीद हो सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।